हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड, केदार घाटी, एक छोटे से गांव रैलगांव से। मेरा नाम है आशा और आज की ब्लॉगिंग मैं 9 बजे से कर रही हूँ और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम दिखाती हूँ मैं। और केदार घाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना है, अच्छी धूप खिली है और आजकल 2 दिन से लगातार ठीक ही है मौसम। और हमारे यहाँ सूर्य देवता भी नहीं आए अभी तक और 10 बजे आते, और इस तरह का मौसम है। और सुबह का ब्रेकफास्ट कर दिया है हमने, और ब्रेकफास्ट में किया हमने मनवा की रोटी हो गया और आलू के गुटके हो गए और दूध। और आप लोग वीडियो में बने रहना। आज हम किचन गार्डन में जा रहे हैं और आज क्या क्या करने वाले हैं वहाँ। यहाँ पर मेरे आज भी गेहूँ सुखाने के लिए रखे हैं, तो ये लाल विकास है, और कल मैंने सफ़ेद विकास सुखाने के लिए रखे हैं, तो ये भी बीज के हैं। जो कल सुखाए मैंने वो भी बीज के थे। और इस पे रखे हैं मेरे सोयाबीनों के बीज, तो ये मैं खेतों में ले जा रही हूँ नीचे किचन गार्डन में, तो वहाँ बोऊंगी मैं इनको। और किचन गार्डन में भी आ गई हूँ मैं और सोयाबीनों बीजों को दिखाती हूँ मैं, कहाँ बोने हैं मैंने ये। आप लोग वीडियो में बने रहना। और सोयाबीनों को मैं इन नीचे 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 साइड बोऊंगी और उधर तक बोऊंगी जितने ये नीचे नीचे साइड ये हल लगा रखी है और ये कवार हमारा छान रखा है, तो इन नीचे नीचे साइड बोऊंगी मैं इनको। और यहाँ खेतों का नज़ारा इस तरह से है, और तो झंगोरा भी और कोदा और जो धान बोया था वो पौधे भी आ गए हैं। और मंदाकिनी नदी भी तभी बढ़ रही है और तभी घट रही है, मतलब तभी ज़्यादा पानी आ रहा है तभी कम पानी आ रहा है। और आज केदार घाटी का मौसम तो अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। और सोयाबीनों के बीजों को मैंने नीचे नीचे साइड बो दिए हैं, और अब चलते हैं उधर प्याज की क्यारियों में, और अब आज प्याज निकालते हैं कितने होता है। और मैं प्याज की क्यारी में भी पहुंच गई हूँ, अब यहाँ से निकालेंगे हम इस प्याज को। और एक कंडी घर ले गई है मोनिका, और यहाँ से भी निकाल देंगे। और पूरा घास घास हो रखे हैं क्योंकि घर में ये प्याज के पत्ते भी सब्जी के काम आएंगे। और अब यहाँ पर का प्याज निकालती हूँ मैं। मम्मी का तो दिल खुश हो गया है प्याज को देखकर कि हमने पहली बार लगाया था प्याज, लेकिन हम लगाते थे लेकिन हम इतना नहीं लगाते थे जितना हमने इस बार लगाया। हमने दो छोटी छोटी क्यारियाँ बना रखी थी, एक यहाँ ऊपर की साइड और एक यहाँ नीचे की साइड। जो नीचे की साइड का जो प्याज था वो तो मैं घर ले गई हूँ, और मम्मी यहाँ ऊपर की साइड का प्याज निकाल रही है। ऊपर की साइड भी हमने एक छोटी सी क्यारी बना रखी थी, तो यहाँ पर भी इतना प्याज निकल चुका है, ये देख सकते हो आप लोग। और थोड़ा सा ही रह रखा है उधर साइड निकालने के लिए, तो मम्मी उसी को निकाल दी है। और पहाड़ों में प्याज को ऐसे निकाला जाता है, और प्याज के दाने भी देख सकते हो आप लोग ऐसे हैं, ये देखिए। और जहाँ पे मम्मी ये प्याज निकाल दिए ना, इनके बीचों बीच बहुत ज़्यादा घास हो रखा है, खरपतवार हो रखा है, पता ही नहीं चल रहा है कि प्याज कहाँ है। तो अभी मम्मी ने इस वाली क्यारी का प्याज भी निकाल दिया है। अब हम इस प्याज को जो है रखेंगे कंडी में, फिर ले जाएंगे घर, पत्ते सहित ले जाएंगे घर, क्योंकि अभी पत्ते हरे हैं तो सब्जी के काम आ जाएंगे।
लिया और अब इस कंडी पर भरती हूँ प्याज को, इस कंडी पर रखती हूँ। और ये है निंगाल की भुनी हुई कंडी और इस पर ले जाते हैं इस प्याज को घर। तो ये प्याज के पत्ते हैं घर पर, ये भी सब्जी के काम आएंगे, बर्बाद क्यों करना है। और इसमें रख लिया। दूसरी कंडी भी प्याज की हमने इस कंडी पे भर दी है, अब हम इसको ले जाएंगे घर। और अब चलते हैं घर। और दोनों प्याज क्यारियों का प्याज तो हमने निकाल ही दिया है और धूप भी हो रही, गाय भैंस भी बाहर मच्छर खा रहे हैं। और अब चलते हैं घर। मोनिका ने यहाँ चौक पर डाल दिया ये प्याज, जो कंडी लेके आई नीचे खेत से, तो यहाँ चौक पर डाल रखा है। तो अब इन पत्तों को अलग करेंगे और दानों को अलग करेंगे। से अलग कर रही हूँ, पत्तों को अलग कर रही हूँ और इस प्याज के दानों को अलग कर रही हूँ मैं। अभी तो ये पीछे के भी निकालने हैं, ये जड़ें निकालनी है और प्याज के पत्ते एक साइड कर देंगे। ये देखिए प्याज के पत्ते यहाँ पे रख रखे हैं और जो प्याज के जो दाने हैं वो वहाँ पे रख रखे हैं, तो कुछ ही दाने बच रखे हैं अब। तो फिर उसके बाद जब ये पत्ते अलग हो जाएंगे, फिर जो प्याज के जो दाने के पीछे की जो जड़ें हैं उनको हम काट के अलग रख देंगे, फिर दाने अच्छी तरह से अलग हो जाएंगे। प्याज के दाने अलग कर दिए हमने और कबाड़ अलग कर दिया है, उस मुल्कनी पर भर रखा है इनका कबाड़, प्याज का कबाड़। और ये धूप सुखाने के लिए रखी है हमारे, और सड़ गया था बारिश की वजह से, और बहुत मेहनत करनी पड़ती इस प्याज पर, पानी डालना पड़ता है और गोबर की खाद डालना पड़ता है। और अभी धूप लगी है तो थोड़ा एक दो दिन धूप सुखाएँगे तब स्टोर कर देंगे। और दिन का लंच भी बना दिया है, अब करते हैं दिन का लंच। और 2 बज गई है, अभी तक लगे रहे काम पे। और अभी धूप खिली थी और अभी बारिश लगने बैठ गई है, पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तभी धूप लग रही है और तभी बारिश लग रही है, अभी इतनी जोर की बारिश लग रही है आप लोग देख सकते हो। पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है। और फिर देखो आसमान पूरा बादल छाए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और आजकल तो 2 दिन था आसमान साफ और लगातार बारिश ही हो रही है। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव भूंज उत्तराखंड, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।